नमस्कार, खबर लाइव में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। आज के एपिसोड में जानिए, सरकार द्वारा बनाए गए एक्सपर्ट पैनल ने ईवी गाड़ियों में आग लगने की क्या वजह बताई, भारत में कौन सी कार कंपनी लेकर आई है सबसे फास्ट ईवी गाड़ी के लिए चार्जर, जानिए क्यों मारुति सुजुकी कर सकती है उसकी छोटी गाड़ियों को बनाना बंद, और जरा हटके में जानिए एक ऐसा नया ट्रैफिक रूल जो गाड़ी के पेपर होने पर भी ना देगा 2000 का चलान। हेडलाइन की ओर बढ़ते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए एक्सपर्ट पैनल ने बताया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाओं से यह पता चला है कि उन गाड़ियों में बेसिक सेफ्टी सिस्टम नहीं थे और बहुत से इलेक्ट्रिक स्कूटर मिनिमम फंक्शनैलिटी के साथ बनाए गए हैं और कंपनियों ने गाड़ी की सेफ्टी का सही से ध्यान नहीं रखा था। एक्सपर्ट कमेटी ने बताया कि उन गाड़ियों में कोई वेंटिंग मैकेनिज्म नहीं था जहां से ओवरहीटेड बैटरी अपनी एनर्जी रिलीज कर सके और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ही ज्यादा कमियां थी। सेल की ओवरहीटिंग या फेलियर ढूंढने की भी कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं दी गई थी। कमेटी की आखिरी रिपोर्ट में भी इस हफ्ते निकाली जाएगी, लेकिन सेफ्टी पे ध्यान की बात उन्होंने पहले ही ईवी निर्माताओं को बता दी है। बैटरी पैक को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड को मानना पड़ता है। ये ताजुब की बात है कि कैसे ये गाड़ियां बिना बेसिक सेफ्टी फीचर्स को पास करे लोगों तक पहुंच गए। हम आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। हीरो इलेक्ट्रिक ने बताया है कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के कारण हीरो इलेक्ट्रिक की अप्रैल 2022 में कोई भी गाड़ी डीलर्स को डिस्पैच नहीं हुई थी। सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उनको प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। कंपनी ने यह भी बताया कि कस्टमर को वेटिंग लिस्ट 60 दिन तक बढ़ गई है और कुछ डीलर्स के पास तो शोरूम में दिखाने के लिए स्टॉक भी नहीं थे। इस बात पे हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल ने कहा कि ये कुछ इस तरीके से है जैसे चलती ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोक दिया हो। उन्होंने इसके पीछे का कारण यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे वॉर का बताया है। हालांकि हीरो इलेक्ट्रिक ने उनके टू व्हीलर प्रोडक्शन के लिए दूसरा तरीका अपना लिया है। महिंद्रा कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इसी हफ्ते हीरो इलेक्ट्रिक का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर का बैच महिंद्रा के मध्य प्रदेश में स्थित प्लांट से रेडी हुआ है और जल्द ही डीलर्स तक डिस्पैच भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण कोरिया की कंपनी किया इंडिया ने मंगलवार गुड़गांव में अपनी डीलरशिप पर ईवी गाड़ियों के लिए भारत का सबसे फास्ट चार्जिंग करने वाला चार्जर का उद्घाटन किया। 150 किलोवाट आवर की क्षमता वाला ये डीसी फास्ट चार्जर गुड़गांव के ढींगरा किया में लगाया गया है, जो कि उनका डीलरशिप का नाम है। वर्ल्ड क्लास मोबिलिटी सॉल्यूशन के कंपनी द्वारा किए गए वादे को ध्यान में रख के ये चार्जिंग फैसिलिटी सभी ईवी गाड़ी के मालिकों को दी जाएगी। 150 किलोवाट आवर पावर से लेस ये फास्ट चार्जर 42 मिनट से भी कम समय में 10% से 80% चार्ज कर सकता है। अगली खबर भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी से जुड़ी है, यानी मारुति सुजुकी से। नितिन गडकरी जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मंत्री हैं, इनके द्वारा जनवरी 2022 में ड्राफ्ट प्रपोजल निकालने के बाद ये जरूरी हो गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से हर गाड़ी निर्माता अपनी पैसेंजर गाड़ियों में 6 एयरबैग्स के साथ ही कार की बिक्री भारत में करें। रोड एक्सीडेंट के खतरे को ध्यान में रखते हुए ऑटो इंडस्ट्री और कार बायर्स ने इस फैसले का खूब अच्छे से स्वागत किया है, लेकिन इंडिया के कार मेकर्स यानी कार निर्माता ये समझते हैं कि 6 एयरबैग पैसेंजर गाड़ियों में देने से इन गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाएंगी और खरीदने वाले भी कम हो सकते हैं। इस पे नाराजगी मारुति सुजुकी के चेयरमैन श्री आरसी भार्गव ने भी जताई है। उनका मानना है कि ये प्रपोजल लो कॉस्ट ऑटोमोबाइल पे बहुत ही खराब असर करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़ी कार मेकर कंपनी छोटी गाड़ियां बनाना बंद कर देगी अगर उनको इससे फायदा नहीं हुआ तो। अगली खबर कार इंश्योरेंस से जुड़ी है। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में इंडिया का पहला फुली डिजिटल मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकाला है, जिसका नाम
स्विच है जो IRDAI से सैंडबॉक्स द्वारा शुरू किया गया है। स्विच एक फुली डेवलप्ड डिजिटल टेलीमैटिक बेस्ड मोटर पॉलिसी है। ये गाड़ी के मोशन को डिटेक्ट करती है और गाड़ी के चलते ही ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस चालू कर देती है। स्विच कस्टमर के पैसे बचाता है उनके गाड़ी के चलाने के तरीके को समझकर। ये मार्केट में एक ऐसा मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो रियल टाइम ड्राइविंग स्कोर देता है और प्रीमियम को कैलकुलेट करता है। कस्टमर को ड्राइविंग स्कोर बहुत से पैरामीटर पर दिया जाता है, जैसे कि ओवर स्पीडिंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, सडन ब्रेकिंग इत्यादि। आसान भाषा में समझाएं तो जितनी गाड़ी आप कम या सही चलाएंगे उतना ही अच्छा स्कोर मिलेगा और उतने ही कम आपको पैसे भी भरने पड़ेंगे। चलिए जानते हैं इस हफ्ते की हटके खबर। आ गया है एक ऐसा ट्रैफिक रूल जो गाड़ी के पेपर होने के बाद भी लगा सकता है आप पे 2000 का चालान। इस रूल के हिसाब से अगर ट्रैफिक पुलिस वाले को गाड़ी के पेपर दिखाते वक्त गलत व्यवहार करते हैं किसी भी तरीके से, तो 179 MVA के हिसाब से वो आप पे 2000 रुपए का चालान काट सकता है। हम बहुत बार देखते हैं कि लोगों की पुलिस से बहस हो जाती है और ये बहस कब गलत व्यवहार में बदल जाती है पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में हमारी आपसे राय है कि आप शांत रहें और अगर पुलिस वाला आपसे गलत व्यवहार करे तो आप उसकी कंप्लेंट या इस बात को कोर्ट तक ले जा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए मैकेनिक टीवी पर। धन्यवाद। गुड नाइट। शब्बा खैर।